Hey, what's up guys? This is Victor. My first time मैं आपको अपना फेस दिखा रहा हूँ. वैसे नॉर्मली मैं कैमरे के पीछे ही रहता था. तो बहुत दिन हो गए मैंने ब्लॉग बनाया नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन की वजह से मैं जो नई नई चीज़ें थी उसका मैं एक्सप्लोर नहीं कर सका भाई. तो धीरे धीरे चालू होगा, मेला चालू होएगा, कुछ नई नई चीज़ें आएंगी तो मैं उसकी वीडियो बनाता रहूँगा. लेकिन अभी मेरा जो ये टॉपिक है, अभी फिटनेस पे थोड़ा सा, वैसे मुझे भी ज़रूरत है फिटनेस की और आप लोग सबको ज़रूरत है भाई. जो अगर इंसान की सेहत और हेल्थ अच्छी नहीं है तो भाई वो मेंटली भी कुछ नहीं कर सकता. और ये भी है कि फिजिक्स होनी चाहिए अच्छी, और इतने तो अच्छी होनी चाहिए कि आपके कॉस्ट्यूम कपड़े अच्छे लगे, इतनी तो होनी चाहिए. तो पता नहीं मेरी कितनी है. और आज मैंने अपना वेट देखा, वेट तुला, जिम में गया था मैं आज. वैसे ही कुछ खास बॉडी और छोड़ी मनती तो है नहीं है, बस ऐसे ही अभी तफरी के लिए निकल लिए. परवीन था साथ में, बोला चलो आज 800 रुपये मैं देखा, 800 रुपये का जिम था. तो मैं सोचा कि सबसे सस्ता रोहतक में तो यही है भाई, 800 रुपये. मैं देखने गया तो वहाँ पर पता चला कि 800 नहीं भाई, उसमें लिखा हुआ था कि कंडीशन अप्लाई. अब वहाँ से पता चला कि 1000 पर मंथ है, और 1000 भी वैसे ठीक ही है, 1000 थोड़े ज़्यादा नहीं है, ठीक ठीक है, कर सकते हैं बंदे. तो उस टाइम मैंने वजन मैंने अपना किया यार 46. यार इस उम्र में 46 केजी, कमाल हो गया यार. मतलब प्रवीण बोला कि तेरा ऊपर पे, सबसे पहले तो प्रवीण ने अपना वेट देखा, फिर उसका तो 75 था वो उसकी हाइट के हिसाब से, उसका ओवर वेट था. और मैंने अपना वेट किया तो 46, यानी कि लॉकडाउन से पहले की बात है, लॉकडाउन की पहले की बात है. मैंने तुला था 51 था केजी, 51 केजी, इतना कम हो गया यार. बढ़न मेरा पहले ही कम था, वेट और भी कम हो गया. तो भाई मैंने सोचा, और मेरे घर वाले भी थोड़े कह रहे तू पतला हो गया, पतला हो गया, कुछ खा ले खा ले खा ले. उनके वो मैं कहते था कि अरे बड़े तुम खाने को देते हो पैसे, पर क्या करते हैं यार. हमें मुझे भी पता है कि मैं कमजोर हूँ थोड़ा सा, मेरा वेट कम है, घर वाले कहते हैं. लेकिन घर वाले बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं यार, कुछ खाने को देने भी दिए है, कुछ पैसे नहीं दे रहे, बस रोटी खाए जो रोटी 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 में यार क्या न्यूट्रिशन मिलेगा. ज़्यादा ज़्यादा 1000 कैलरीज मिल जाएगी, मुझे चाहिए कैलरीज 3000 के सरप्लस. इतना इतना तो मैं खा नहीं सकता इतना, तो कुछ सप्लीमेंट. तो मैं भाई सबको अगर जो मैं बताऊं कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने सप्लीमेंट ना लिया हो. मैंने वेट गेनर पहले लिया था, मास गेनर का, और मैंने गलती ये कर दी कि मैंने एक दो डब्बा ही खाया था, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था. रिजल्ट काफ़ी अच्छा है एंडोरा मास का, बट मेरी गलती है कि मैंने उसको मेंटेन नहीं किया, अब छोड़ दिया मैंने. भाई मैंने सुना था कहीं से कि 3-4 डब्बे खाओ, 3-4 महीने खाओ, तब जाके कुछ सही होता है. और भाई मेहनत भी करनी पड़ती है, ऐसा है नहीं है कि एंडोरा मास सब कुछ करके देगा ना, मेहनत भी करनी पड़ती है. उस टाइम तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं थी यार, मैं फ्री था, फिटनेस भी बड़ा ध्यान देता था. और तब मेरा वेट करीबन 60 किलो वजन था भाई. इतने अच्छा लग रहा था, मैं पहले मैं क्या बताऊँ, इतनी अच्छी फिटनेस बना रखी थी मैंने. अब भाई कुछ करना पड़ेगा बॉस. तो कल सुबह
मेरा पहला वर्कआउट देखना, और रोज़ की वीडियो डालूँगा मैं, और आज क्या किया, क्या किया, कौन सी एक्सरसाइज की। एक मैं जिम जाने से पहले मानसरोवर पार्क में सस्ता सा, मतलब हल्का फुल्का वार्म अप करने के लिए ठीक है, जब तक आपका कुछ वेट बढ़ ना जाए तो ही पहले वार्म अप कर ले, फिर जाके अच्छे से जिम में जाएंगे, ठीक है। आप ही स्टार्टिंग में अगर जिम जाना शुरू करेंगे तो भाई पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं, मेरे ख्याल से पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो बॉडी को पहले 3-4 महीने वार्म अप लगते हैं, उसको अंदर भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो काम मैं करूँगा फ्री में, यानी कि मानसरोवर पार्क में कुछ हल्की फुल्की डिप्स वगैरह मार के और पुश मार के, थोड़ा सा घर में वो डम्बल डोन मार मूर के तैयारी करके जाऊँगा, फिर जाकर देखते हैं एडवांस कितना लेवल है। थोड़ा सा वेट मैं गेन कर लूँ, और मैं सोच रहा हूँ एक अंडर हमास ले लूँ, क्योंकि वो अच्छे रिजल्ट देता है मेरे पे, और मैं मेरा शरीर ऐसा है कि कुछ खास रिस्पॉन्स देते नहीं है सप्लीमेंट है, लेकिन ये जो अंडर हमास मेरे पे लगता है, लेकिन मैंने गलती की इसके उसको मेंटेन नहीं किया। तो आज कल शाम को मेरा वर्कआउट देखना आप। तो टेक केयर, बाय बाय।